सब्सक्राइब कीजिए विचित्र फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट साइंस मिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारी धरती नाना प्रकार के फल फूल जीव जंतु और प्राकृतिक संपदाओं से भरी पड़ी है। जब प्रकृति की सबसे सुंदर संरचनाओं की बात आती है तो फूलों का नाम सबसे ऊपर आता है, और आए भी क्यों नहीं। वाकई में फूल हमारी धरती की सबसे सुंदर संरचनाओं में से एक है, और इसके बिना हमारा कोई भी शुभ काम पूरा नहीं हो सकता, चाहे वह पूजा पाठ हो या शादी विवाह या किसी शुभ काम की शुरुआत। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक काम में हमें फूलों की जरूरत पड़ती ही है। इसका एकमात्र कारण इसकी सुंदरता और इसकी खुशबू ही है जो हमें इसकी ओर खींचे आने के लिए मजबूर करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी फूल की महक इतनी बदबूदार हो सकती है कि इंसान का वहां बदबू से दम घुटने लगे। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने दुर्गंध के लिए बदनाम है। वैसे तो इस फूल का नाम टाइटन एरम है, मगर यह अपने सड़े हुए मांस जैसी गंध के वजह से मृत फूल या डेड फूल के नाम से भी जाना जाता है। यह फूल मूल रूप से इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और इसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इस फूल की खोज इटालियन वनस्पति शास्त्री ओडोआर्डी बेकारी ने सन 1878 में किया था। ऐसा माना जाता है कि एक बार बेकारी सुमात्रा के रेन फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। ये गंध ऐसी थी जैसे पास में कोई मृत जानवर पड़ा हो जिसका मांस पूरी तरह से सड़ चुका है। ये गंध इतनी तेज थी कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने गंध के कारण का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आसपास कोई भी मरा जानवर नहीं दिखा, जिस बात से उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो जंगल में और अंदर की ओर चले गए। वहां उन्हें 18 से 20 फीट तक का भारी भरकम अजीब सा पौधा दिखा, जिसे देख पहली नजर में वो ये समझ नहीं पाए कि ये पौधा है या फूल। जैसे जैसे वे फूल के नजदीक गए, बदबू और बढ़ती गई। आखिरकार इस फूल के पास पहुंचकर उन्होंने यह तय किया कि बदबू इसी फूलनुमा पौधे से आ रही है, और इसी के साथ ही बेकारी ने अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत फूल टाइटन एरम की खोज की। हालांकि टाइटन एरम एक फूल की तरह दिखता है, लेकिन यह तकनीकी रूप से एक इनफ्लोरोसेंस है, जो कि एक केंद्रीय स्तंभ के चारों ओर क्लस्टर फूलों का एक समूह होता है, जिसे स्पैडिक्स के रूप में जाना जाता है, और एक पत्तेदार संरचना से घिरा हुआ होता है, जिसे स्पैथे कहा जाता है। टाइटन एरम दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लोरोसेंस है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। इसका इंडोनेशियाई नाम बंगा बेंगकाई है, और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एमोराफो फॉलस टाइटेनम है। हालांकि यह नाम पौधों की गंध की बजाय उसकी शेप की वजह से रखा गया था। दोस्तों, टाइटन एरम के बारे में एक और बात जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये दुनिया का सबसे बदबूदार फूल ही नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी है। इसकी औसत लंबाई 2 मीटर होती है, यानी कि 6.56 फीट। अभी तक जो सबसे बड़ा फूल देखने में आया है उसकी लंबाई 3.1 मीटर थी। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगर इसके वजन की बात करें तो इस फूल का वजन 50 से 90 किलो तक हो सकता है। टाइटन एरम की औसत आयु 45 वर्ष की होती है, और ये अपने 45 वर्ष के आयु काल में सिर्फ 3 से 4 बार ही पूरी तरह से खिलता है। टाइटन एरम इतना बड़ा पौधा है कि इसे खिले रहने के लिए एनर्जी स्टोर करने में 1 से 1.5 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, और इसके बाद भी ये फूल सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खिला रह पाता है। दोस्तों, ये फूल बहुत ही कम समय के लिए खिलता है, और इतने ही समय में इन्हें अपने वंश वृद्धि के लिए परागण की प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके लिए ये अपनी गंध का सहारा लेते हैं। ये फूल जैसे ही खिलता है, इससे सड़े हुए मांस की तीव्र गंध आने लगती है, और ये गंध मक्खियों और कीड़ों को अपनी ओर खींचे आने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये कीड़े अपना अंडा देने के लिए मरे हुए जानवरों की तलाश में रहते हैं। ये फूल खिलते ही अपना तापमान बढ़ाकर 30 से 35 डिग्री तक कर लेता है, जिससे
इन कीड़ों को ये फूल मरे हुए जानवर के सड़ते हुए मांस जैसा लगता है और उनको अपना अंडा देने के लिए सही स्थान लगता है, जिससे ये कीड़े अपने आप को यहाँ अपना अंडा देने से नहीं रोक पाते और उनकी यही प्रक्रिया इस पुष्प के परागण में मदद करती है। दोस्तों, ये फूल अपनी ऊंचाई और गर्मी का उपयोग दुर्गंध को दूर तक फैलाने में करता है, ताकि ज्यादा दूर दूर से कीड़े इस फूल तक खींचे चले आए। ऐसा ये फूल इसलिए करता है क्योंकि ये फूल केवल 2 से 3 दिनों तक के लिए ही खिलता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की वजह से इस फूल की प्रजाति को खतरा होने के कारण इसे संवेदनशील प्रजातियों में सूचीबद्ध किया है। दोस्तों, प्रकृति के इस विचित्र फूल को जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।